नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर एक। चैप्टर नंबर एक के इससे पहले चार वीडियोस आ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर एक का पांचवा वीडियो है, जिसमें आप देखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, सरल आवर्त गति को। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में आपने वेव मोशन के बारे में, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को और वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनकी डेफिनेशन को तथा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देखा था। इसी के साथ आपने स्टेशनरी वेव्स तथा रेजोनेंस ट्यूब को भी समझ चुके हों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवर्त गति और दोलनी गति। आखिर क्या होती है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन? जब कोई पिंड एक निश्चित टाइम के बाद में निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इस तरह की जो गति है वो ही आवर्त गति है, वो ही पीरियोडिक मोशन है। कोई पिंड एक, जैसे पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी एक निश्चित टाइम के बाद में उसी जगह पे आ जाती है और इसी तरह अपनी गति को दोहराती रहती है। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ की जो गति है वो आपकी आवर्त गति का ही एक उदाहरण है। अब अपने सेकंड देखते हैं, दोलनी गति या कंपन गति। आखिर क्या होती है, ओसिलेटरी मोशन या फिर कहें वाइब्रेटरी मोशन, किसे कहते हैं दोलन गति। जब कोई पिंड एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द ही निश्चित समय अंतराल पे बार बार गति को दोहराता है, तो उस गति को दोलनी गति या फिर कंपन गति कहते हैं। इसका एग्जांपल देखें, जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। तो पेंडुलम क्या करता है, आप मेन पोजीशन होती है उसका मध्य बिंदु, उसी के इर्द गिर्द ही बार बार अपनी गति को दोहराता है। तो पेंडुलम एक ही पथ पे चल रहा है और जो साम्यावस्था है उसी के इर्द गिर्द एक निश्चित टाइम के बाद बारी बारी आता जाता रहता है। इस प्रकार जो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है या फिर सिलाई मशीन की सुई की गति है, ये सभी एग्जांपल है दोलनी गति या कंपन गति के। तो आवर्त गति और दोलनी गति दोनों अपन देख चुके हैं। आवर्त गति है कि एक निश्चित टाइम के बाद में एक निश्चित पथ पे बार बार अपनी गति को दोहराए। दोलनी गति है कि एक ही पथ पे एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अपनी गति को दोहराए। अब अपने देखते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति है, वो भी एक तरह की दोलनी गति है, जिसमें कोई पिंड एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु पर, वो निश्चित बिंदु होगा उसका साम्यावस्था का ऐसा बिंदु जिसके इर्द गिर्द ही वो निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराती रहे। तो सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलनी गति है, जिसमें जब कोई कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द इस प्रकार गति करता है कि कण पे कार्यकारी बल प्रत्येक स्थिति में उसकी साम्यावस्था से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा दिशा सदैव ही साम्य स्थिति की ओर हो, तब कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। दोलनी गति की तरह ही है, बस बात ये है कि जो बल है वो साम्यावस्था से कितनी विस्थापन है। मान लो वो विस्थापन साम्यावस्था से x का विस्थापन है, तो बल F है वो उस x के समानुपाती होगा। F समानुपाती होगा x के, समानुपाती निशान को हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, तो F बराबर हो जाएगा kx के, जहाँ पे k होगा समानुपाती नियतांक। और दिशा की बात करें तो उसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर रहती है, तब कण की गति आपकी कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसका एग्जांपल देखें सरल आवर्त गति का। सरल आवर्त गति का एग्जांपल है स्प्रिंग से लटके हुए किसी भी पिंड के जो दोलन होंगे वो दोलन सरल आवर्त गति का ही एग्जांपल होंगे, या फिर झूले के जो दोलन होंगे वो भी सरल आवर्त गति के ही एग्जांपल होंगे। तो सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलनी गति है, अर्थात
इसमें पिंड एक निश्चित पथ पे निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल पे बार बार गति करता है। इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि इसमें लगने वाला बल है वो किसके समानुपाती होगा, उसके विस्थापन के। विस्थापन कहाँ से हैं, उसकी साम्यावस्था से। तो लगने वाला कार्यकारी बल साम्यावस्था से उसके विस्थापन x के समानुपाती होता है। दिशा सदैव साम्यावस्था की ओर होती है। सरल आवर्त गति का अब आप देखोगे समीकरण क्या आता है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आएगा। मान लो किसी भी कण P का सरल आवर्त गति में विस्थापन निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मान लिया कोई कण P का सरल आवर्त गति में विस्थापन y बराबर है a sin ओमेगा t। यदि कोई दूसरा कण Q कण P से दाहिनी तरफ x दूरी पे हो तथा यह माना जाए कि तरंग बाई से दाई तरफ v वेग से अर्थात P बिंदु से Q